गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। फिर हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। ध्यान देंगे, एक टर्म है मोलरता। मोलरता की परिभाषा कहती है प्रति लीटर बिलियन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। परिभाषा उससे मैच करती है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरता। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्रभावित होता है। ताप एकमात्र ऐसा कारक है जो अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक दोनों को प्रभावित करता है। अन्य कारक वेग को तो प्रभावित करते हैं लेकिन वेग स्थिरांक पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर लिए हुए, किसी प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। ध्यान क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निर्भर नहीं करता है। कुछ परीक्षार्थियों से यहाँ गलती होती है, जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो नहीं शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, हम बहुतों से गलती होती है। इसलिए मेरा अनुरोध है उन सभी परीक्षार्थियों से कम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और एक बार नहीं उसे दो बार पढ़े। किसी प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक, या प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है, तो यह निर्भर नहीं करता है अभिकारकों के सांद्रता पर। क्योंकि जब कभी हम बात करते हैं प्रथम कोटि के अभिक्रिया के फॉर्मूलाओं के बारे में, तो ऐसी स्थिति में प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के का मान होता है 2.303/t log a/a-x। तो यह प्रथम कोटि का यदि हम लोग बात करते हैं, प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा समाप्त हो जाए तो यह के समय पर केवल निर्भर करेगा। लेकिन यहां पर एक और चीज ध्यान देने योग्य बात है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का और ढाई का सवाल हो तो यह बात तो समझ में पूरी तरह से आती है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु का मान होता है 0.693/k। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन अब वेग स्थिरांक की बात होती है तो वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है, लेकिन इस फॉर्मूला के आधार पर भी अभिकारकों की सांद्रता पर यह निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश पुंज कोलाइडी किरण से गुजारा जाता है तो एक घटना है जिसे हम किंडल प्रभाव कहते हैं। जब किसी कोलाइडी किरण से होकर प्रकाश के पुंज को गुजारा जाता है तो कोलाइडी किरण के कण प्रकाश का प्रतिबिंबन करते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं। यह घटना किंडल प्रभाव कहलाती है, अर्थात ये प्रकाश का प्रतिबिंबन करते हैं। अगला जो रिएक्शन है इसमें एक साइनाइड कॉम्प्लेक्स के बनने का जिक्र है, साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ध्यान देंगे, साइनाइड विधि से दो धातु को हम लोग प्राप्त करते हैं, चांदी को और सोना को। इस ऑप्शन में हमारे पास चांदी मौजूद है, यदि चांदी नहीं होता सोना होता तो उसे भी हम लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल्ब में भरी जाने वाली उत्कृष्ट गैस है। बल्ब में भरी जाने वाली उत्कृष्ट गैस है आर्गन। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ दो ऑप्शन में आंशिक रूप से एक और ऑप्शन सही है, N2। गोताखोर वाले सिलेंडर में N2 भी होता है लेकिन अल्प मात्रा में, उसकी तुलना में हीलियम ज्यादा होता है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हीलियम होगा। लेकिन यदि किसी ऑप्शन में हीलियम और नाइट्रोजन दोनों होता तो उसको हम लोग टिक करते, क्योंकि एक सवाल पूछा जाता है कि गोताखोर ऑक्सीजन वाले सिलेंडर में हीलियम के अलावे नाइट्रोजन भी क्यों मिलाते हैं। उत्तर होता है, नाइट्रोजन हवा के बबल बनने से रोकता है, नतीजा ये बबल फेफड़ों में और रक्त में पहुंचने से रुक जाते हैं और श्वास की जो प्रक्रिया है, श्वसन प्रणाली है, सुचारू रूप से कार्य करती है। तो बहुत ही अल्प मात्रा में नाइट्रोजन वहां मिलाते हैं, लेकिन हीलियम ज्यादा मिलाते हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल हीलियम है।
किस धातु का घनत्व अधिकतम है? इन सब में जिस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है वह है पारा यानी मरकरी। किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है? उत्तर है ऑस्मियम। ऑस्मियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है और यह अवस्था प्लस 8 तक होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब कुछ एक्सप्लेन भाई की हम चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई अर्थात व्याख्या करें। क्वेश्चन है क्लोरीन द्वारा फूलों का व्यंजन अस्थाई जबकि SO2 द्वारा अस्थाई होता है क्यों? क्लोरीन द्वारा फूलों का व्यंजन अस्थाई जबकि SO2 द्वारा अस्थाई होता है क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर है क्लोरीन द्वारा फूलों के विरंजन में नवजात ऑक्सीजन भाग लेता है और जब नवजात ऑक्सीजन रंग उड़ाता है तो वह अस्थायी रूप से गायब करता है, जबकि SO2 के द्वारा फूलों के विरंजन में नवजात हाइड्रोजन भाग लेता है और जब नवजात हाइड्रोजन अभिक्रिया में रंग उड़ाता है तो वह परमानेंट रूप से नहीं उड़ाता और अस्थायी रूप से अर्थात टेम्पोररी उड़ाता है। यही कारण है कि रंग अस्थायी रूप से गायब होता है। ये सब कुछ ऐसे होते हैं। क्लोरीन की अभिक्रिया फूल में मौजूद जल से होती है तो बनता है HCl और प्लस नैसेंट अर्थात नवजात ऑक्सीजन। जब किसी रंगीन पदार्थ के साथ यह नवजात ऑक्सीजन जुड़ता है तो रंगीन पदार्थ बनता है और ये अस्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। लेकिन इसी में जब विरंजन की प्रक्रिया SO2 गैस के द्वारा होती है तो रंगहीन पदार्थ बनता है और ये रंग अस्थायी रूप से गायब होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कि क्लोरीन द्वारा फूलों के विरंजन में नवजात ऑक्सीजन बनता है जो अस्थायी रूप से रंग को गायब कर देता है, जबकि SO2 के द्वारा फूलों के विरंजन में नवजात हाइड्रोजन बनता है या नवजात हाइड्रोजन जो अस्थायी रूप से रंग गायब करने में सक्षम है। यही कारण है कुछ देर के बाद रंग लौट कर वापस आता है और व्यंजन की प्रक्रिया अस्थायी रूप से होती है। व्यंजन का मतलब होता है रंग को गायब करना और नवजात का मतलब होता है कि अभिक्रिया में जब कोई गैसीय पदार्थ बनता है और केवल एटॉमिक फॉर्म में रहता है एटम के रूप में मॉलिक्यूल के रूप में नहीं तो उसे हम लोग कहते हैं नवजात अर्थात नैसेंट। अगला क्वेश्चन है PH3 से PH4 प्लस का आबंध कोण बड़ा है
पीएच3 की संरचना कुछ ऐसी होती है, इसका नाम है फॉस्फीन, और पीएच4 प्लस की कुछ ऐसी, इसका नाम है फॉस्फोनियम आयन। फॉस्फीन में एक न्यूजन जोड़ी इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूजन जोड़ी इलेक्ट्रॉन बंधनों का विकर्षण करता है जिसके फलस्वरूप यहां बंधन कोण कम हो जाता है, लेकिन पीएच4 प्लस में अर्थात फॉस्फोनियम आयन में न्यूजन जोड़ी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चले गए, अर्थात न्यूजन जोड़ी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और यही कारण है कि इस पूरी प्रक्रिया में बंधन कोण का मान इसकी तुलना में अधिक होता है। उत्तर होगा फॉस्फीन में निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन बंधन कोण को कम करता है। जबकि फॉस्फोनियम आयन में निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अतः बंधन कोण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है जबकि अन्य हैलोजन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्यों? क्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है जबकि अन्य हैलोजन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि क्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है जबकि अन्य हैलोजन -1 के अलावे +1, +3, +5 और +7 अवस्था भी दर्शाते हैं, अर्थात परिवर्तनशील दर्शाते हैं कई प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था, क्यों? जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता है 1s2, 2s2, 2p5। 2p5 का मतलब है कि यहाँ 2d, d ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं, 2d नहीं पाया जाता है, ध्यान देंगे 2d होता ही नहीं। तो उत्तर होगा फ्लोरीन के पास d उपकक्षा नहीं पाई जाती है। अतः यह अपने ऑक्सीकरण संख्या का मान नहीं बढ़ा सकता है और केवल -1 अवस्था दर्शाता है जबकि। अब क्लोरीन के नीचे आते हैं तो क्लोरीन का होता है 3s2 3p5, उसके ठीक नीचे ब्रोमीन में आते हैं तो 4s2 4p5,
और 3 से डी ऑर्बिटल, डी के जो ऑर्बिटल होते हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं, तो जबकि अन्य हेलोजन के पास डी उपकक्षा पाई जाती है। अतः हमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस केवल एक परमाणु होते हैं क्यों? अक्रिय गैस एक चाहे एकल परमाणु होते हैं क्यों? एकल परमाणु को मोनो एटॉमिक भी कहा जाता है, अर्थात इसके अणु में एक ही परमाणु होते हैं। अक्रिय गैस का बाह्य विन्यास संतृप्त होता है और अष्टक के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि इनके बाह्यतर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वो संतृप्त हैं, इनका बाह्य विन्यास संतृप्त है, हीलियम के पास ड्यूएट पूरा है, बाकी के पास ऑक्टेट पूरा है, और यही कारण है कि अकेले भी ये प्रकृति में रह सकते हैं और यही कारण है कि एकल परमाणु होते हैं। अक्रिय गैसों का सामान्य विन्यास NH2NP6 होता है जो अस्थायी विन्यास है, अतः ये प्रकृति में अकेले या स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। और एकल परमाणविक होते हैं। इस तरह का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्रिय गैसों में केवल क्रिप्टन और ज़ेनॉन ही यौगिक बनाते हैं क्यों? ध्यान देंगे, कई कई क्वेश्चन में क्रिप्टन नहीं देता, केवल ज़ेनॉन नहीं देता, लेकिन दोनों के आंसर एक ही तरह से होंगे। अक्रिय गैसों की शुरुआत करते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तब क्रिप्टन और तब ज़ेनॉन का स्थान आता है, अर्थात अपेक्षा की इनका आकार बड़ा होता है। बड़ा आकार होने के कारण जब ये अति विद्युत ऋणात्मक तत्व या अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे क्लोरीन और ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन में ध्रुवता उत्पन्न कर देते हैं, और यही कारण है कि अभिक्रिया का संपन्न होना शुरू होता है और कुछ यौगिक इनके बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अक्रिय गैसों या उत्कृष्ट गैसों में क्रिप्टन और ज़ेनॉन परमाणु का आकार बड़ा होता है, यही कारण है कि जब ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के संपर्क में आते हैं तो उनमें ध्रुवता उत्पन्न होती है और अभिक्रिया संपन्न होने के कारण कुछ यौगिक बन जाते हैं। यदि क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।